हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके कानूनी अधिकार क्या हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कानूनी अधिकार क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ही शुड नो द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, एप्रोप्रिएट नोटिस उसको सर्व करी जाएगी उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट महोदय उसका ट्रायल करेंगे, अगर उनको लगता है कि इसके अरेस्ट के ग्राउंड एप्रोप्रिएट है, इसको रिलीज नहीं करना चाहिए तो रिलीज नहीं करेंगे वरना उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है ताकि वो अपनी जमानत करा सके। नंबर तीसरा, जमानत करने का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई कराने का अधिकार है उसको कि उसकी मामले का जो ट्रायल होगा निष्पक्षता के साथ चलेगा। नंबर पांच जो उसका हो जाएगा, उसको विधिक सहायता मिल जाएगी और जो है इस तरीके से हमें क्लियर है कि मतलब जो राइट्स बताए गए वो राइट्स इसलिए हमें बताए गए हैं कि ताकि कोई व्यक्ति जो है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के पैरेलेंस में सब इक्वलिटी बिफोर लॉ के एस्पेक्ट में इक्वल ट्रीट किया जाए, कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को आरोपी की जगह दोषी न कहा जाए। दोषी तब होगा जब दोष सिद्ध हो जाएगा। आई होप अगर आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।